हाय दोस्तों, क्या आप अपने YouTube चैनल के वीडियो को रिपेयर करते हैं? शायद नहीं करते होंगे, क्योंकि ये चीज बहुत कम यूट्यूबर जानते हैं, और जो जानते हैं उसका चैनल का प्रत्येक वीडियो पे व्यू आता है। क्योंकि जिस तरह से कोई कंप्यूटर हो या मोबाइल हो या कोई मशीन हो, धीरे धीरे जैसे जैसे वो पुराना होते जाता है, उसका फंक्शन, उसका कार्य करने की क्षमता कम होते जाता है, उसी तरह हमारे YouTube चैनल के वीडियो जो है पुराना वीडियो, उसका भी व्यू आना बंद होते जाता है या फिर कम व्यू आता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अपने पुराने वीडियो को रिपेयर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो रिपेयर करने के लिए अपने YouTube चैनल को लॉगिन करें और वीडियो मैनेजर पर क्लिक करें। अब यहां से आप अपने पुराने वीडियो को रिपेयर कर सकते हैं जिसमें व्यू इंक्रीज नहीं हो रहा है, जैसा कि मैं इस वीडियो को रिपेयर करके दिखाऊंगा जिसके मात्र 28 व्यू ही आया है। इसे मैं 12 जुलाई 2017 को अपलोड किया था, लेकिन इसमें बिल्कुल व्यू नहीं आ रहा है। तो एडिट पर क्लिक करें। अब इसका टाइटल चेंज करेंगे। आप भी इस तरह के वीडियो का टाइटल चेंज कर दें जिसमें व्यू आना बंद हो गया है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी बदलाव करें, क्योंकि वीडियो के व्यू में डिस्क्रिप्शन का भी अहम भूमिका होती है। उसके बाद टैग भी नया लगाएं। यदि आप टैग के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं टैग कैसे जनरेट करता हूँ, तो कॉमेंट कर हमें बताएँ। टैग लगाने के बाद एडवांस सेटिंग में वीडियो का कैटेगरी भी चेंज कर दें। उसके बाद थंबनेल भी चेंज करें। तो इन सभी चीज़ों में बदलाव करने के बाद 5 से 10 दिनों के बाद आप देखेंगे कि इस वीडियो का व्यू कैसे बढ़ना शुरू हो जाएगा। बदलाव के बाद इस वीडियो का लुक देखो किस तरह हो गया है, और हाँ, इसमें ऐड भी आने लगा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो रिपेयर करना सीख चुके होंगे, और इसी तरह से आप अपना चैनल पे पड़े पुराने वीडियो को रिपेयर कीजिए, और कुछ समय के बाद उसमें देखिए कैसे व्यू इंक्रीज होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।